तुम लोगों से रहा नहीं गया ना, मैंने तुम लोगों को इतना सा क्या बोल दिया कि तुम लोगों को 10-15 मिनट में लड़कियां पटाना सिखा दूंगा, तुम लोग आखिर आ ही गए यहाँ पे। मतलब मैंने तुम्हें बोला था प्लेबॉय वाली ट्रिक्स बोलूंगा, और प्लेबॉय होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, लेकिन तुम लोग आ जाते हो भाई, तुम लोग ना यार बहुत क्या बोलूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ठीक है भाई, वादे के अनुसार मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ट्रिक्स। मतलब लिटरली आप फर्स्ट इंप्रेशन पे ही लड़की को ऐसा किल कर सकते हो ब्रो कि मतलब बात ही खत्म। बट आज जो मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ, इससे मैं आप लोगों को एक ऐसी गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि भाई आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए लड़की आपका साथ दे देगी, इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूँ। बट इस चीज की गारंटी जरूर देता हूँ कि लड़की इंप्रेस जरूर हो जाएगी, भले ही बॉयफ्रेंड होगा तो भी आपसे इंप्रेस जरूर हो जाएगी। तो भाई बिना आपका अनमोल समय बर्बाद किए हम लोग इस तकनीक के अंदर डूब जाते हैं। तो भाई देखिए, इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई प्ले बॉयज जो होते हैं वो लड़कियों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में आपको सामने वाली लड़की के दिमाग में आपकी एक अलग ही इमेज क्रिएट करनी होती है। मतलब भले आप खुद कितने ही चूतिया हो, लेकिन लड़की को ये जरूर लगना चाहिए कि ये जो लड़का इस समय मेरे सामने खड़ा है, ये लड़का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसे जो चाहिए होता है वो बोलता है और वो इसे मिलता है, ये एक कंप्लीट बैड बॉय है। और अगर मैं इस लड़के को ना भी बोल देती हूं तो ये लड़का बिना मेरे पे टाइम वेस्ट किए सीधा अगली लड़की पे चला जाएगा और अगली लड़की तो इसे जरूर मिल जाएगी। तो लड़की को लगने लगता है कि आपके द्वारा किया गया प्रपोजल एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप बहुत ज्यादा टाइम एक लड़की के ऊपर वेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि कोई भी लड़की आपको लिटरली इमोशनली टच भी नहीं कर पाती है। हर्ट होना तो दूर की बात, रिजेक्शंस को आप एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो, जिसे देख के लड़की अपने आप आपके हिसाब से बिहेव करने लगती है। उस लड़की के ब्रेन में बेसिकली आपकी ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि इस लड़के को कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर पाती, और जो लड़की से नो बोल देती है एक्चुअली लॉस उसी लड़की का हो जाता है, क्योंकि शी लूजेस द फन, शी लूजेस द एक्साइटमेंट जो ये लड़का क्रिएट कर पाता है, क्योंकि इस लड़के को हर चीज कंट्रोल करनी आती है, इसे परफेक्टली पता है कि लड़कियों को ट्रीट कैसे करना है, उनके साथ बिहेव कैसे करना है और उन्हें टीज कैसे करना है, जिसकी वजह से लड़कियां लिटरली अपने आप को सरेंडर कर देती हैं, क्योंकि आप उनके लिए नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करके देते हो। और लड़की ये सोचती है कि इस लड़के का करिश्मा और कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि हर लड़की इसके पीछे आना चाहती है, हर लड़की चाहती है कि ये लड़का मुझसे एक बार बात कर ले। और लड़की को बेसिकली बस ये महसूस होता है, मैंने अगर इसे गलती से ना बोल दिया ना तो ये लड़का स्माइल करेगा, नो प्रॉब्लम बोलेगा और वहां से चल देगा। और आपके जाने के बाद लड़की को सिर्फ और सिर्फ ये महसूस होगा कि यार मैंने क्यों जाने दिया इसको, क्योंकि आपके बिहेवियर और एटीट्यूड से कंप्लीटली आपका एक्सपीरियंस झलकता है, जिसकी वजह से लड़की को फील होता है कि वो नूब है और आप प्रो। और भाई ये अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लड़की कभी भी आपको पकड़ ना ले खुद को देखते हुए। अगर लड़की ने देख लिया कि ये मेरी तरफ देख रहा है तो ठीक है, चल जाता है, बट कभी कभार नहीं भी चलता है। और हाँ मेरे दोस्त, बस इतनी इंग्लिश आपको जरूर आनी चाहिए जिस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हो, और साथ में हाय हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, उसके बाद आप पूरी हिंदी में बात करना कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टार्टिंग के ना जो एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन है ब्रो, वो कोशिश करो कि आप इंग्लिश में जरूर फ्रेम कर पाओ, और जिस तरह से बात करते हुए आप लड़की के साथ आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर लड़की आपसे बात कर रही है, आप उधर देख के बात कर रहे हो, आप नीचे देख के बात कर रहे हो, आप फोन में देख के बात कर रहे हो, तब तो भाई आपका रिजेक्शन पक्का है। और रिजेक्शन से एक और बात याद आ गई कि मेरे दोस्त, इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपकी उंग में बहुत दम होना चाहिए कि आप रिजेक्शंस ले सको और बहुत लाइटली लेकर रिजेक्शन से इंप्रूव करके आगे बढ़ सको। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लड़की के पास जाने को बोलना है हाय आई वांट टू हुक अप विद यू और मे बी आई वांट टू स्लीप विद यू। भाई आपको बस इंटरेस्ट शो करना है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। अगर आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय कर दो। और इंटरेस्ट
स्ट्रेस दिखाने के लिए आपको बस क्वेश्चंस पूछने होते हैं और सिंपल से कॉम्प्लीमेंट्स करने होते हैं। हल्का फुल्का फ्लर्ट करके देख लो, ना बोले तो आगे बढ़ो। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ये मैजिक सिर्फ 10-15 मिनट में क्रिएट कर पाए, लेकिन मेरे दोस्त उसके पीछे मेहनत महीनों और सालों की होती है, क्योंकि इस मैजिक को करने के लिए बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी अल्टीमेटली चार्मिंग होनी चाहिए। मतलब आपको देख के लड़की को लिटरली ऐसा फील हो, वाओ। सही बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपकी शक्ल नहीं पसंद है तो लड़की आपको भी रिजेक्ट कर देगी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपकी पर्सनालिटी सिर्फ आपके लुक से नहीं बनती है। हाँ, लुक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़े, बट मेरे दोस्त आप भले ही कैसे भी दिखते हो, अगर आप अपनी ड्रेसिंग सुधार लो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को राइट ले लो, भाई फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा कॉन्फिडेंस झलकता है ना, और आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका हेयर कट ऑन पॉइंट होना चाहिए, आप किसी भी एंगल से अनफिट नहीं लगने चाहिए हो। मैं मस्कुलर लगने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं आप अनफिट नहीं लगने चाहिए। और ये वो चीजें हैं जिन पे टाइम टू टाइम धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है, और आप तभी बाकी लड़कों से स्टैंड आउट कर पाओगे जब आपने सालों की मेहनत की हो, और वो लड़के एकदम से देखेंगे अरे भाई इस लड़के को देखो, और तब वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसके पीछे सालों की मेहनत है। भाई ये एक दिन में पर्सनालिटी बिल्ड नहीं होती है। और हाँ, लड़कियों के माइंड में स्ट्रिक्टली ये भी काउंट होता है कि वो आपको पहली बार किस तरह के लोगों के साथ देखती है। जी हाँ, वो भी मैटर करता है। तो भाई अगर आपको जानना है कि लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करना है, तो आप इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो देखो, और अगर आपको जानना है कि आप अपनी अल्टीमेट पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करोगे, तो इस वीडियो के बाद ये वाला देखो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको पर्टिकुलर टिप्स नहीं दे सकता, ये बोलना ऐसे चलना। मेरे दोस्त, हम सबकी पर्सनालिटी हमारी आवाज की तरह यूनिक होती है, तो हम लोगों को ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से हम पे क्या सूट करता है। तो ठीक है मेरे भाई, अपना लॉजिक लगाओ और अपने हिसाब से अपने लिए प्रॉपर गेम प्लान समझो, जो बस और बस एक्सपीरियंस आएगा। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो स्वागत है मेरे दोस्तों, आओ सब्सक्राइब करके जाना, और नोटिफिकेशन वाली बेल दबाए बिना गए ना तो भाई बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल। Bye.